बल्कि पता है करता हूँ, मैं ये लड़के से पूछता हूँ, आपके घर में भी तो लिया है ना, कितनी छोटी बेटी, कितने साल की है? लड़का कोई बताए जो 25 का हो। एक साल की बेटी है? नहीं, छोटी बहन की बात बताएं जरा। मैं नफ्सियात पे हिट करना चाह रहा हूँ, हिट द यूथ, यूथ के भी बच्चे नहीं हुए ना जी। बेटा नहीं, बहन जिसका, कवारे लड़के से बात कर रहा हूँ जी। क्या नाम है? तहरीम। आप ये बताएं, आपके कितने दोस्त हैं? आधा कराची आपका दोस्त है? या ऐसे ही होता है ना, आधे कराची के जितने भी दोस्त हैं आपके, उनमें से किसी के साथ भी आप तहरीम की बात नहीं करते? यस, गौर से सुने, जरूरत ही नहीं पड़ती, दोस्तों से क्यों बात करें बहन की? समझ रहे ना मेरी बात? रोज तहरीम का टॉपिक तो नहीं छोड़ेंगे, क्यों करेंगे? साल में एक दफा, दो दफा तहरीम की बर्थडे है, स्कूल ने स्कूल से पिक करने जाना है बस। वरना तो दोस्तों को हमारी बहनों के नाम नहीं पता होते, कराची में भी ऐसी है ना। हमारे दोस्तों को हमारी बहनों के नाम क्यों पता होंगे? टॉपिक ही नहीं है। भाइयों के नाम पता होते हैं क्योंकि करतूत है भाइयों के ऐसे। आपकी नफ्सियात के सेंटर में जा रहा हूं मैं, और समझे, ये उम्मत का कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी, इस्लाम की जो अटेंशन जो मिसिंग है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या नाम है आपका? आपका अपना सुभान। तो सुभान तहरीम की बात नहीं करता, सिवाय अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि तहरीम का एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में आईसीयू में हो, तो फिर पूरे कराची से आप तहरीम की बात करेंगे। खून चाहिए होगा, अस्पताल जाना होगा, पिक करना होगा अम्मी को, अब्बू को, हर दोस्त को पता होगा कि सुभान की जो तहरीम है वो सेंटर ऑफ अटेंशन और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। यस, बात समझ रहे? ये है उम्मत का कॉन्सेप्ट। नबी सलाम ने कहा था कि फलस्तीन में रोज तहरीमें हमारी शहीद हो रही है, कोई डिस्कशन नहीं हो रही। आपकी रोज की लाइफ तहरीम डिटरमिन करेगी, अगर वो बीमार हो जाए तो आपके दोस्तों की लाइफ भी अफेक्ट करना शुरू कर देगी। आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होगा, टॉपिक ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। आप उनसे पैसे भी ले रहे होंगे, टाइम भी ले रहे होंगे, एफर्ट भी ले रहे होंगे। ये है फर्क। साहबा को हर बच्ची तहरीम लगती थी, हमें सिर्फ अपनी तहरीम तहरीम लगती है। इतना आसान है इस्लाम पे आ जाना कि जिधर जाएंगे आपको तहरीमें नजर आएंगी। 100% फोकस इस्लाम हो जाएगा ना आपका, क्योंकि 100% फोकस बीमार हो जाती है तहरीम तब मांगती है। तो क्या आपको पता नहीं है? ये मौलवी साहबों को पता नहीं है कि उम्मत की वक्त इस वक्त अमन के हालात नहीं है? हर कस्बे में, हर शहर में, हर मुल्क में बच्चियां रेप और कत्ल हो रही हैं। और क्या हो कि कौन सा थ्रेशहोल्ड ब्रीच करें कि मुसलमान बागैरत हो जाएं? और क्या ऐसा वाकया हमारे साथ भी बताएं? अपने अपने घरों में एक एक न्यूक्लियर बम आके गोरा रोज आके बम करे, एक ना एक बच्चा हमारे घर का ही मार दे गजा की तरह, तब कहीं जाके हम उसने निजाम लेके आओ, निजाम लेके आओ बात करें। और जितना मैं मौलवियों का नाम लेता हूं, आला हजरत से लेके मौलवी साहब साहब तक का, हर फिरके के मैंने अशरफ अली थानवी साहब का नाम लिया, किसी एक मौलवी ने सिर्फ अपनी पगड़ी का नाम लेना होता है, बाकी दूसरी पगड़ी वाले को वो उलमाए सू गुमराह कह रहा होता है। आपकी उम्रों में आपको सारे मौलवियों का पता होना चाहिए, तब निचोड़ेंगे आप इस्लाम उसमें से। थोड़ा थोड़ा सबके पास आ गया, किसी के पास ज्यादा आ गया किसी एक परस्पेक्टिव से, किसी के पास ज्यादा आ गया किसी और परस्पेक्टिव से। इन योर 30s यू शुड नो अहले तशई लिटरेचर, अहले सुन्नत लिटरेचर, यू शुड नो ब्रेलवी लिटरेचर, यू शुड नो देवबंदी लिटरेचर। अगर आपको लिटरेचर ही नहीं पता, आपको गांधी साहब का लिटरेचर नहीं पता, आपकी और मेरी जरूरत कैसे हो रही है किसी पर एतराज करने की?